Hi everyone, this is Trupti and you are watching NPC Neva Physics Classes. So guys, last two lectures में हमने discuss किया था electricity के सारे concept like electric charge, electric current, electric potential, potential difference, Ohm's law, combination of resistance, heating effect of electric current and power. Now we are going to solve some numericals related to this topic. And yes, today's class is all about the numericals. Let's start our class. But before I start the class, I want to share some important tips for how to solve numericals in physics. Okay, so let's have a look. Tip number first, clear concept and learn formula. आपको जो भी आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट वो किस पर बेस्ड है वो आपको क्लियर होना चाहिए और उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज हैं वो आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए. सेकंड वन इज़ रीड केयरफुली. जब भी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करने बैठें आप फर्स्टली न्यूमेरिकल को आराम से रीड करें. कोई फास्ट रीड नहीं करना है आपको. ओके, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, लाइन टू लाइन उसे रीड करें. उसकी लैंग्वेज को समझें पहले. ओके, थर्ड वन इज़ नोट डाउन डाटा. जो भी आप डाटा उससे मिल रहा है आपको न्यूमेरिकल से वो आप अपने बुक में नोट डाउन कर लें. जो भी वैल्यूज़ गिवन है वो सब नोट डाउन कर लें. इससे क्या होगा कि आपको बार बार न्यूमेरिकल्स पढ़ने में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इमेजिन ऑल पॉसिबिलिटीज़. सभी पॉसिबिलिटी न्यूमेरिकल के एंड में जो भी आपको चीज़ें फाइंड करनी है उससे रिलेटेड सभी फॉर्मूलेस और जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उसे आपको इमेजिन करना है. आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि यस, ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होगा. ओके, सो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में. ओके, सो लेट्स बिगिन अवर क्लास. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग वन कूलम ऑफ चार्ज. मीन्स आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स आपको n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. ओके, एंड वन कूलम, कंस्टिट्यूटिंग वन कूलम मीन्स आपको कैपिटल Q गिवन है वन कूलम. ओके, ये जो क्वेश्चन है वो सिंपल सा है और बेसिक कॉन्सेप्ट पर डिपेंड है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिसिटी में जो आप फॉर्मूला पढ़ते हैं वो Q इज इक्वल्स टू एन ई. हियर Q इज द charges, n is the number of charges and e is the basic value of charge and which is constant term. Okay, so we have to find n, then aap n ko subject banaiye and q upon e, plus the value of q and e. Q is 1 coulomb and e is constant and the value of E is 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. Okay, अब दोनों charges हैं, दोनों का unit coulomb है, so coulomb and coulomb will be cancel out. Okay, so we have 1 by 1.6 into 10 raised to the power plus 19. Minus 19 denominator में है, numerator में ले जाएंगे तो वो plus हो जाएगा. Okay, point remove करेंगे तो यहाँ पे एक zero put हो जाएगा. Calculate the equation, so we have 0.625 into 10 raised to the power 19. Okay, इसे आप इस तरह से भी represent कर सकते हैं, 6.25 into 10 raised to the power 18. Okay, जब भी आप point को इस direction में move करवाना चाहें तो आपके जो power है वो opposite होगी, means minus में होगी. Okay, ये आप ध्यान रखिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज. हाउ मच एनर्जी मीन्स एनर्जी आपको फाइंड करनी है यहाँ. तो एनर्जी के लिए आप एच यूज़ करेंगे. ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं और आप डब्ल्यू भी यूज़ कर सकते हैं. डब्ल्यू इज फॉर वर्क डन एंड ऑल्सो फॉर द एनर्जी. ओके, ये आपको फाइंड करना है. सो वी हैव टू कैलकुलेट दिस एनर्जी.
Each coulomb of charge means we have the value of capital Q is 1 coulomb. Each coulomb means 1 coulomb of passing through a 6-volt battery means value of V is 6 volt. Okay, simple सा एक formula हमने electric potential difference में पढ़ा है, which is V is equals to W by Q and make subject W, then W is equals to V into Q plus the value of V and Q, so 6 into 1 is 6 joule. Joule is the unit of energy. Okay, सिंपल से ये दो एग्जांपल हमने फर्स्ट ले लिए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच अकॉर्डिंग टू द डायग्राम. देखिए इस डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 बैटरीज हैं, सॉरी 1 बैटरी है एंड 3 सेल्स हैं उसमें ऐड है. ओके, आपको पता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स बैटरी होता है, और यहाँ पे सेल का जो वैल्यू है, 1 सेल का वैल्यू 2 वोल्ट है, तो टोटल बैटरी की वैल्यू क्या हुई, 2 + 2 + 2 मीन्स 6 वोल्ट. 6 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे दी हुई है एंड रेजिस्टेंस इज 5 ओम, 8 ओम एंड 12 ओम एंड दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज. ओके, सो आपको बताना है एमीटर एंड वोल्ट मीटर की रीडिंग. तो एमीटर इन द सेंस आपको आई फाइंड करना है, आई की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड वोल्ट मीटर मीन्स वी की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू आपको फाइंड करनी है. ओके, तो फर्स्टली अगर आप सीरीज की बात करें, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि रेजिस्टेंस को आप डायरेक्टली, अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आपको डायरेक्टली सभी वैल्यूज को ऐड ही करना होता है. तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा यहाँ से, R1 + R2 + R3. ओके, हम इस 5 ओम की वैल्यू को R1 कंसीडर करते हैं, इसे R2 एंड 12 ओम को R3. सो पुट द वैल्यू ऑफ R1, R2 एंड R3 इन दिस इक्वेशन. R1 एज 5, R2 एज 8 एंड R3 एज 12. ओके, सॉल्व. एट दिस डिजिट, 8 + 5 = 13 + 12 = 25 ओम. आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आई है आपके पास, दिस इज द 25 ओम. अब एंड वोल्टेज की जो वैल्यू है वो गिवन है 6 वोल्ट. अब हम इजीली ओम्स लॉ यूज करके आई की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं. ओके, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V is equals to I R, then I is equals to V by R. Okay, so V as 6 and R as 25. Your answer will be 0.24 ampere. Ampere is the unit of current. Okay, so this is your answer. अब question में बोल रहा है volt meter की जो वैल्यू है वो, तो आपको पता है सीरीज में करंट की वैल्यू तो सेम होगी, मीन्स करंट 5 ओम रेजिस्टेंस में भी यही होगा, 8 में भी यही होगा और 12 में भी यही करंट होगा, सेम होगा, बट वोल्टेज की वैल्यू डिफरेंट होगी. यहाँ वोल्टेज की वैल्यू जो है एवरी रेजिस्टेंस के लिए डिफरेंट होगी. फॉर 5 के लिए अगर बात करें तो देखिए, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी इज इक्वल्स टू आई आर. ओके, फॉर फर्स्ट रेजिस्टेंस R1 वोल्टेज इज V1. ओके, सो IR1, I की वैल्यू को प्लेस करेंगे 0.24 एंड R1 इज 5. ओके, कैलकुलेट द इक्वेशन, देन वी हैव 1.20 वोल्ट. ओके, वोल्टेज वोल्ट इज द यूनिट ऑफ वोल्टेज, V1 इज 1.20 और वी कैन से 1.2 एंड देन V2, सो IR2 प्लस द वैल्यू I एंड R2, सो I इज 0.24 एंड R2 इज 8. ओके, सो वी हैव द वैल्यू ऑफ दिस 1
1.92 वोल्ट. ओके, वोल्ट इज द यूनिट. सो आपके पास V2 की वैल्यू भी आ गई है. अब बात करें V3 की. सो V3 इज इक्वल टू IR3. सो I एज 0.24 एंड R3 एज 12. ओके, कैलकुलेट द वैल्यू. देन वी हैव 2.88 वोल्ट. दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस 12 ओम. ओके, तो हमने डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस वैल्यूज वोल्टेज की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया. ओके, इस तरह से आप इस न्यूमेरिकल को डील करेंगे. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर 4th. वी हैव गिवन 3 अप्लायंसेस लाइक इलेक्ट्रिक लैम्प, टोस्टर एंड वाटर फिल्टर विथ डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस. ओके, देखिए इलेक्ट्रिक लैम्प के लिए हम रेजिस्टेंस R1 कंसिडर करेंगे. ओके, सो R1 इज इक्वल टू 100 ओम. टोस्टर के लिए R2 इज 50 ओम एंड वाटर फिल्टर के लिए R3 एज 500 ओम. ओके, वोल्टेज की वैल्यू आपको दी हो. कैलकुलेट द रेजिस्टेंस एंड करंट. सो हमने स्टडी किया है अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस होते हैं तो उनके लिए एक ट्रेडिशनल फॉर्मूला होगा. ट्रेडिशनल फॉर्मूला विच इज 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. ओके, सो 1/R1, R1 एज 100 ओम, R2 एज 50 एंड R3 एज 500. टेक LCM, LCM इज 500. ओके, 100 by 500, सो वी हैव 5 + 10 + 1. ओके, एड दिस नंबर्स. सो 16/500 विच इज इक्वल्स टू 1/R इक्विवेलेंट. ओके, सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 500/16. इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएंगी 31.25 ओम. ओके, सो रेजिस्टेंस विल बी 31.25 एंड करंट आपको फाइंड करना है. सो करंट के लिए आप ओम्स लॉ अप्लाई कर लें. सो ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू IR, देन I इज इक्वल्स टू V/R. ओके, V एज 220 एंड R एज 31.25. कैलकुलेट द इक्वेशन एंड वी हैव 7.04 एम्पियर. ओके, एम्पियर इज द यूनिट. नाउ क्वेश्चन नंबर 5th. हाउ कैन 3 रजिस्टर ऑफ रजिस्टेंसेज 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड 1 ओम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं. फर्स्टली तो आप इमेजिन करिए कि आपको गिवन है 3 ओम, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. आप सीरीज में भी 2 ओम को कनेक्ट कर सकते हैं, थर्ड में पैरेलल को कनेक्ट कर सकते हैं. तो ऐसे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं जिससे कि हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस, फर्स्ट आपको फाइंड करना है 4 ओम आ जाए और सेकेंड विल बी 1 ओम. ओके, तो हम फर्स्ट के लिए पॉसिबिलिटीज देखते हैं, 4 ओम के लिए पॉसिबिलिटीज देखते हैं. मीन्स हमारा एम जो है वो 4 ओम करना है. देखिए फर्स्ट में अगर आप ये जो दोनों इक्वेशंस है, दोनों वैल्यूज़ हैं 2 ओम और 3 ओम, इससे अगर आप पैरेलल लेंगे, मीन्स 2 ओम को और 3 ओम को पैरेलल कंसिडर करेंगे, तो पैरेलल के लिए जो फॉर्मूला है विच इज़ डायरेक्टली R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 मल्टीप्लाई बाई R2 अपॉन R1 प्लस R2. ये फॉर्मूला हमने डायरेक्टली पुट कर दिया. टू रेजिस्टेंस जब पैरेलल हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से. ओके, सो हियर R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2 × 3 एंड 2 + 3 = 5. ओके, तो यहाँ पे देखिए कैंसिल आउट कोई भी वैल्यू नहीं हो रही है, मीन्स पॉइंट में आपका आंसर आएगा.
जो कि आपकी इंटेंशन तो 4 ओम था, आपका जो डेस्टिनेशन था वो 4 ओम को लाना है, बट यहाँ पे पॉइंट में वैल्यू आ रही है बट सो ये वाली पॉसिबिलिटी तो नहीं हो सकती। इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप कि 2 ओम को आप सीरीज़ में ले लें, फर्स्ट वाला जो रेजिस्टेंस गिवन है उसे सीरीज़ में ले लें और जो रिमेनिंग 2 हैं उन दोनों को आप पैरेलल कर दें, ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ओके सो अब आप इसे सॉल्व कर लें, 3 ओम एंड 6 ओम। ओके ये दोनों पैरेलल हैं तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला यही पुट हो जाएगा, 3 × 6 upon 3 + 6 = 9। ओके कैंसिल आउट करिए, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6। ओके तो यहाँ पे इन दोनों रेजिस्टेंस की जो इक्विवेलेंट वैल्यू है वो 2 ओम आई और ये तो ऑलरेडी 2 ओम है ही। ओके अब जब भी ऐसे प्रॉब्लम्स को, ऐसे रेजिस्टेंस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें तो डायग्राम को रीड्रॉ कर लें, इससे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में थोड़ा इजी रहेगा। 2 ओम एंड 2 एम, अब ये दोनों क्या हैं सीरीज़ में, देन सीरीज़ में डायरेक्टली ऐड होता है तो आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया या टोटल रेजिस्टेंस आया वो 2 + 2 = 4 ओम हुआ। ओके तो ये आपका जो इंटेंशन है ये फुलफिल हुआ, फर्स्ट वाला आंसर आ गया। सेकंड देखिए, सेकंड के लिए अब हम तीनों रेजिस्टेंस को अगर पैरेलल कनेक्ट करें तो क्या हो सकता है। देखिए फर्स्ट आपने 2 ओम लिया, सेकंड 3 ओम एंड थर्ड वन इज़ 6 ओम, ये तीनों रेजिस्टेंस ले लिए और तीनों को हमने पैरेलल कनेक्ट कर दिया बैटरी के थ्रू। अब पैरेलल की जो कंडीशन है वो आपको यहाँ पे ट्रेडिशनल फॉर्मूला यूज़ करना होगा, 1/2 + 1/3 + 1/6। ओके टेक एलसीएम, देन एलसीएम विल बी 6। ओके 2 × 3 = 6 and 3 × 2 = 6, 2 + 1, 3 + 2 = 5 + 1, सो 6/6 इट इज़ गोइंग टू बी 1। सो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 ओम। तो ये भी हमारा सेकेंड वाला जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया, फुलफिल हो गया। ओके आई होप आपको ये न्यूमेरिकल्स सारे समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम एंड 24 ओम। मिस क्वेश्चन में आपको पहले तो टोटल हाईएस्ट एंड लोएस्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो हमने तो पढ़ा है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ये हाईएस्ट और लोएस्ट क्या है। तो सिंपल वे में आपको घुमाने के लिए ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया, सिंपल ही है कि अगर आप रेजिस्टेंसेस को पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो पैरेलल में आपके पास लोएस्ट वैल्यू आएगी। पैरेलल में जब भी आप रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करते हैं तो आपके पास जो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है वो सबसे कम आती है, लोएस्ट आती है। ओके सो पैरेलल अगर करेंगे तो लोएस्ट वैल्यू आपको मिल जाएगी, एंड सीरीज़ में क्या होता है सभी को डायरेक्टली ऐड ही करना होता है तो डायरेक्टली ऐड कर रहे हैं, इन द सेंस हाईएस्ट वैल्यू। ओके अब तो समझ में आ गया होगा कि हमें फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें हाईएस्ट के लिए सीरीज़ कॉम्बिनेशन यूज़ करना है एंड लोएस्ट के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके सो फर्स्ट सीरीज़ कॉम्बिनेशन, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में इफ़ R1 इज़ 4 ओम, R2 इज़ 8 ओम एंड R3 इज़ 12 ओम एंड लास्ट वन R4 इज़ 24 ओम। ओके देन अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 + R2 + R3 + R4। ओके सभी को डायरेक्टली आपको ऐड करना है, 4 + 8 + 12 + 24 ओम। ओके विच इज़ योर हाईएस्ट रेजिस्टेंस, एंड सेकेंड वन इज लोएस्ट। सो लोएस्ट रेजिस्टेंस के लिए आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरेंज करना होगा। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन की कंडीशन है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2 +
1 by r3 plus 1 by r4. Okay, place all the values of resistances 1 by 4 plus 1 by 8 plus 1 by 12 plus 1 by 24. Take LCM, LCM will be 24. So 4, 6 is 8, 3 is and 12, 2 is and then 1. 6 plus 3, 9 plus 2, 11 plus 1, 12. So 12 upon 24. It means R equivalent is 24 upon 12. Okay, cancel out. 12 2 is 24, so R equivalent will be 2 ohm. This is the lowest value. Okay, chaliye next question. Question number 7. Compute the heat generate while transferring 96,000 coulomb of charge. Means aapko heat kitna generate ho raha hai, aapko first of all H ki value ko find karna hai. Transferring 96,000 coulomb means value of Q is 96,000, okay, of charge in 1 hour. Means time is given 1 hour, T is 1 hour, okay, so 3600 second time, okay, and potential difference is 50 ohms, so V is 50 volt, okay. अब देखिए आपको हीट जनरेट मीन्स हीट की जो वैल्यू है वो आपको फाइंड करना है. तो हीट के जो फॉर्मूलेस हमने रीड किए हैं, लर्न किए हैं, वो है फर्स्ट इक्वेशन जो है दैट इज आई स्क्वेयर आर टी, ओके. सेकेंड वन इज वी स्क्वेयर अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय टी, एंड थर्ड वन इज वी आई इंटू टी. अब मुझे ये बताइए कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो सकता है. तो देखिए आर इस इन सभी वैल्यूज़ में आर है नहीं, इसलिए फर्स्ट फॉर्मूला नहीं यूज़ होगा, सेकंड फॉर्मूला भी यूज़ नहीं होगा बिकॉज़ यहाँ पर भी आर है. हम यूज़ करेंगे थर्ड फॉर्मूला विच इज़ एच इज इक्वल्स टू वी आई टी. तो हम यूज़ करेंगे एच इज इक्वल्स टू वी आई टी, एंड फॉर I इज Q बाई टी, एंड टी एंड टी विल बी कैंसल आउट. सो V इंटू क्यू प्लस द वैल्यू ऑफ V एंड Q, V एज 50 एंड Q एज 96,000 कूलम चार्ज. ओके, सो कैलकुलेट करिए वैल्यू को. आंसर विल बी 4.8 इंटू 10 रेस टू द पावर 6 जूल. ओके, क्वेश्चन नंबर 8. एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर. कैलकुलेट द हीट डेवलप इन 30 सेकेंड. मीन्स आपको इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है R इज इक्वल्स टू 20 ओम, एंड करंट गिवन है I इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर. आपको कैलकुलेट करना है हीट डेवलप मीन्स हीट एनर्जी H की वैल्यू को आपको फाइंड करना है इन 30 सेकेंड. मीन्स टाइम इज 30 सेकेंड. अब आप ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हीट का जिसमें I होगा और R होगा. तो वापस से मैं यहाँ पे ये 3 फॉर्मूलेस लिख देती हूँ, फिर आपको डिसाइड करना है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज होगा. आई स्क्वेयर आर टी, एच इज इक्वल्स टू वी स्क्वेयर अपॉन आर मल्टीप्लाई बाई टी, एंड एच इज इक्वल्स टू वी आई टी. अब बताइए मुझे कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज़ होगा. देखिए आई की वैल्यू है और आर की वैल्यू है. ओके, सो आई की वैल्यू है हमारे पास, एंड आर की वैल्यू है, और टी की वैल्यू भी है. सो फर्स्ट वन विल बी यूज. ओके, एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वेयर इंटू आर टी. आई को आप कैपिटल भी लिख सकते हैं, आई स्क्वेयर आर टी. आई के प्लेस पे 5, ओके, स्क्वेयर है, सो 5 मल्टीप्लाई बाई 5, R as 20 and T as 30 second. Okay, और we can say 1500 is your answer. 1500 energy, so energy will be in joule. Okay, question number 9th. An electric motor takes 5 ampere from a 220 volt line.
मीन्स इलेक्ट्रिक मोटर में जो करंट फ्लो हो रही है दैट इज़ 5 एम्पियर, ओके, और वो 220 वोल्ट के अक्रॉस लगी हुई है, मीन्स वी एस 220 वोल्ट्स। डिटरमाइन द पावर, मीन्स आपको पी की वैल्यू डिटरमाइन करनी है ऑफ द मोटर एंड एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी की वैल्यू भी आपको फाइंड करना है, मीन्स ई एच की वैल्यू फाइंड करनी है इन 2 आवर्स, ओके, सो टाइम विल बी 2 आवर्स। 2 आवर्स को आपको किस में, सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज आपको सारे यूनिट्स जो है वो SI में कन्वर्ट करने होते हैं। 2 आवर्स मीन्स 2 × 1, 1 आवर के लिए सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे सो 3600 सेकेंड हो जाएगा, ओके, मल्टीप्लाई करेंगे सो 7200 सेकेंड, ओके, ये टाइम टी। अब डायरेक्टली आप फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है VIT, H इज इक्वल्स टू VIT प्लस ऑल द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, V एस 220, I एस 5 एंड T एस 7200। वी हैव 7.92 × 10⁻⁶ जूल, ओके, सो अवर हीट एनर्जी विल बी 7.92 × 10⁻⁶ जूल। नाउ वी आल्सो फाइंड द पावर, तो पावर के लिए P इज इक्वल्स टू VI, ओके, ये आपने VIP के फॉर्मूले से लर्न किया होगा VIP, सो वी एस 220 एंड I एस 5, ओके, सो वी हैव 1100। सो दिस इज योर आंसर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।